अरे पास हमने तो ये नहीं पता बिजली चीज क्या होती है बताओ ये मेरे को चीज एक जहाँ जरूरत है वहाँ पे पहुँचा रहा हूँ और काम उसका चल रहा है। थाने प्लाट कब मिले थे? 1999 में मिले थे। इधर ही पढ़ाई का टाइम कुछ बड़ा कर अपना मोदा सोन पर बड़ा बिना लाइट लाइट नहीं पूरे तो बोट बोटा खतरा हुई थी। अच्छा वहाँ से इन्होंने सभी ने कनेक्शन ले रखा है। अच्छा और उस लाइन में सुबह एक घंटे पानी छोड़ता है। पंचायत से पहले इतनी समस्या है कि आती ज्यादा आज के दिन हम बाल को ये जो बोर्ड पटते हैं ना बोर्ड पटते हैं तब तो पोल गड़वा देते हैं। मैं लड़की तुम कहा तरते थे मैंने काट काट के वो सारे खराब कर चुके ताकि आज हम इस देवास गांव के एक में पूछ रहे हैं और यहाँ पे जो समस्या ने लेकर के ना जो एक पानी की समस्या और लाइट की समस्या बिजली की समस्या इस गांव में इस बस्ती का मचाल रही है तो उसने लेकर के हमारे साथ में जुड़ रहे हैं इस गांव के सरपंच महोदय। सरपंच महोदय आपका स्वागत है। राम राम। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। सरपंच महोदय मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हरिजन बस्ती सन 1999 में कटी थी ऐसा कुछ यहाँ के लोग बता रहे हैं। हाँ जी। तो ये पानी की व्यवस्था यहाँ पे नहीं हो पाई है न ही लाइट की हो पाई है ऐसे क्यों? सर पानी की व्यवस्था तो है सुबह एक घंटे पानी आता है और शाम के एक घंटे आता है पानी। देखो ये मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा ये कह रहे हैं पानी आता है सही है बट हम अपनी अपनी लाइनें बिछा करके ला रहे हैं यहाँ पे। ऐसा है सर जो गांव में पुरानी लाइन है पहले से जो चालू है वहाँ से इन्होंने सभी ने कनेक्शन ले रखा है। अच्छा। और उस लाइन में सुबह एक घंटे पानी छोड़ता है और एक घंटा या डेढ़ घंटे के लगभग शाम को पानी छोड़ा जाता है। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वह जो लाइन गई है गाँव वाली जो पुरानी लाइन गई है वह कितनी दूर से हो रही थी? यहाँ से तकरीबन डेढ़ या दो एकड़ दूर है। डेढ़ या दो एकड़ दूर है। सरपंच साहब से मैं पूछना चाहूँगा दर्शक भी सुन रहे हैं कि आज के दिन में जो जल की जलमग्न वाली जो योजना है या जल की जो व्यवस्था है हर घर के सामने पहुँच रही है तो आपने पहुँचाने की क्यों को ना कोशिश करी जी? ऐसा है सर मैंने नई पाइपलाइन गांव में अभी जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे पहुँचा रहा हूँ और काम उसका चल रहा है। एक बात आपने मेरे तक बताई कि जहाँ जरूरत है वहाँ पहुँचा रहे तो क्या लगा यहाँ पे जरूर इस जगह पे जरूरत नहीं है? सर यहाँ पे भी पानी की पाइपलाइन की ज़रूरत है और यहाँ पे भी पहुँचेगी उसके लिए अभी जैसे कि गांव में कई जगह पानी बिल्कुल नहीं पहुंच रहा यहाँ पे कम से कम पानी पहुंच तो रहा है और गांव का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिसमें पानी नहीं पहुंच पा रहा उसमें नई पाइपलाइन द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। और मेरे गांव में अभी दो ही कनेक्शन है चालू जो प्रत्येक गाँव में किसी गाँव में चार है किसी गाँव में पाँच है। अभी मैंने एक बोर नया करवाया है तो एक्शन साहब जो अपना जो ये पानी विभाग के हैं उनसे बात हुई है पिछले 15 या 20 दिन में नए बोर में कनेक्शन चालू हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये भी समस्या खत्म हो जाएगी। तो यानी कि बहुत जल्दी हम इस डाणी में भी पानी पहुंचाने वाले हैं। हाँ जी अंकल जी मैं आप तक पूछना चाहूँगा क्योंकि अंकल जी एक बात बताइए या तो हम पूछ लियो सरपंच साहब ते या मैं पूछ लियो सरपंच साहब ते हमने थारी समस्या से मेरे से पहले बता दी तो मैंने पूछ लेने दो अंकल जी मैंने सरपंच से पूछ लेने दो बात है या तो हम पूछो या मैंने पूछ लेने दो हम तो पूछ तो दो मिनट हमने बात कर लेने दो या तो हम ही बात कर लो सरपंच साहब ते या हम कर ले हैं। मैं सर से एक रिक्वेस्ट करता हूं अभी मैं यहां पानी छुटवाता हूं अगर यहां पानी नहीं आई उसका जवाबदार मैं हूं। अगर पानी मैंने छुटवाया और यहां पानी पहुंच गया तो फिर ये आदमी बात सरपंच साहब बात सरपंच साहब छह घर भरेंगे पानी सरपंच साहब मैं छह घर पानी एक 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 थी हमारी जैसे कि आपने बताया था कि जी भाई डेढ़ किलो डेढ़ एकड़ के करीब है तो ये जो डेढ़ एकड़ वाली लाइन है जो पर्सनली लेके आ रहे हैं पानी की तो यहाँ तक जैसे कि इनके घरों के आसपास तक कब तक पहुँचवा दोगे लाइन आप? ये तकरीबन 3 या 2 या 3 महीने में जैसे ये पार्क के पास एक नया बोर किया है जी जी उस बोर चालू होते ही ये लाइन पाइपलाइन नहीं बिछा दी जाएगी जी ये तो समस्या का समाधान हो गया इनकी जो पानी की समस्या था ये समाधान हो जाएगा। समय तो लगा है किसी न किसी में तो ये जैसे ही इन्होंने बताया कि जो बोर नया कराया था उसके बाद में पाइपलाइन बिछा देंगे और बहुत बढ़िया सर खुशी की बात से इन बस्ती वाला के लिए। तो सभी का जो दूसरा मुद्दा जो चल रहा है सो फिलहाल भी इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है सारे बालक बाहर घूम रहे हैं तो इसका क्या समाधान चल रहा है? सर इस चीज़ के लिए मैं खुद परेशान हूँ कि यहाँ पे जितने मेरे गांव के यहाँ लोग रह रहे हैं इनके पास अभी तक लाइट नहीं पहुँची है। तो हमने लाइट पहुँचाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव किया था एक्शन साहब और जो एसडीओ साहब हैं उनसे भी पर्सनली कम से कम 10 या 12 बार जाके यहाँ लोग इकट्ठे हुए और वो भी जाके मिले हैं लेकिन उसके बाद भी वहाँ जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई जल्दी आ जाएगी तुम्हारे पास लाइट लेकिन फिर भी उसमें ढिलाई की जा रही है।
देखो ये प्रशासन को अब वही बात आ रही है, अभी मैंने जैसे ही थोड़ी देर पहले बैठे हुए थे एसडीओ साहब से भी बात करी थी, तो एसडीओ साहब ये बोल रहे थे कि भाई हमने क्या है कि इन्होंने जब सिक्योरिटी भरी थी उस दौरान वो एक हफ्ते का टाइम हुआ था और उस दौरान वो सिक्योरिटी फेल हो गई इनकी, यानी कि कैंसिल होगी क्योंकि एक हफ्ते का समय इनका निकल चुका था और वो संज्ञान में ना था कि लाइन ना है। अब दोबारा एसडीओ साहब से ने ये कहा है कि दोबारा तय ये भरेंगे और 15 से 20 इनकी फाइल लगें, मतलब इन बस्ती वालों की 15 से 20 फाइल लगे हैं, उसके बाद में इनको ऐसा उन्होंने एसडीओ साहब ने मार से भी बोला है अभी, तो उसके बाद में संज्ञान में लिया जाएगा और बहुत जल्दी इन तहत लाइट भी पहुंचाई जाएगी। तो मैं तो ये चाहूँगा सरपंच साहब, अगर ये जो आपके गांव की इस बस्ती की जो समस्या है इसने जितना हो सके उतना जल्दी आप संज्ञान में ले करके ठीक करवाओ, फटाफट करवाओ जी। सर मैं भी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मेरी जितनी कोशिश है मैं उतनी कर रहा हूँ कि यहाँ जल्द से जल्द लाइट और नई पाइपलाइन बिछे जी जी, ताकि यहाँ पे ये दोनों समस्याएं ना रहे जी। ये एक बहुत खुशी की बात है बस्ती के लिए और इस गांव के लिए भी, बहुत जल्दी सरपंच साहब इस चीज़ को अब संज्ञान में लेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों कि हम भी समय समय पे इस गांव की जो ये जो समस्या है इस बस्ती की, हम समय से बहुत जल्दी हम सरपंच साहब से भी मिलते रहेंगे, बात करेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। इसी तरह से अगर आपके गाँव की भी कोई समस्या हो, आपके आसपास के क्षेत्र की भी कोई समस्या हो, तो आप हमें बिल्कुल बुला सको, सो हम भी उसमें उजागर कराएंगे, प्रशासन के सामने जनता के सामने जरूर लेके आएंगे। तो बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। जय हिंद जय भारत।